हेलो फ्रेंड्स, मैं साजन और आप देख रहे हैं समाज की खबर हिंदी न्यूज़। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में मोदी की चुप्पी को लेकर मोदी को जमकर धोया। चलिए देखते हैं वीडियो। देखिए, आज लगभग 65 राज्यसभा के सांसदों ने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये का एक लंबी और एक विस्तार से मणिपुर पे चर्चा सदन के भीतर हो। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पे चर्चा हो और अगर सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन 65 नोटिसेस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्वीकृति दे दीजिए और चर्चा शुरू हो जाएगी। केवल सदन में आकर ये चिल्लाने से कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं होगी। 65 नोटिस शायद आज तक भारत के संसदीय इतिहास में, राज्यसभा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने 267 का नोटिस दर्ज कर कहा कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के विषय में चर्चा हो। लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहती। मॉनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, आज 31 जुलाई 2023 है, 11 दिन हो गए। 11 दिन में किसी एक भी दिन अगर सरकार मणिपुर में चर्चा करा लेती तो बाकी के वर्किंग डेज बच जाते और उसमें लेजिस्लेटिव काम हो जाते। हम भी चाहते हैं कि सदन चले। और आज मुझे याद आता है उस समय के लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली जी और उस समय की नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी लोकसभा की, उनके कथन की याद आती है कि कभी कभी सदन में विपक्ष की आवाज सुनाए जाने के लिए अगर आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र कमजोर नहीं होता। और आज उसी कथन का हवाला देते हुए हम चेयरमैन साहब से, सभापति जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि मणिपुर के विषय पे चर्चा हो। और जब जब एक विस्तार से लंबी चर्चा होती है, संसदीय कन्वेंशन ये कहता है कि देश के प्रधानमंत्री जी आकर उस बहस में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, देश के कई प्रधानमंत्री सदन के भीतर आकर इस विषय पे जब भी रूल 267 के हिसाब से बहस हुई है, सदन के भीतर आकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्री सदन के भीतर आए और अपना वक्तव्य दिया। इसीलिए हम चाहेंगे कि एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट में आए। दोनों में से जो सदन उन्हें पसंद है, लोकसभा पसंद है तो लोकसभा, राज्यसभा पसंद तो राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में आकर मणिपुर पे अपनी बात रखी और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस विषय से पूरे देश को अवगत कराए।